बातें सुन लेकिन कम बोला कर, तेरा मेरा मत किया कर, हम बोला कर, दम बोला कर, मेरे गाने फटे जोर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाना, वो भी बिना लिखे। तो गाइस, आप लोग बोलेंगे कैसे, तो इस कैसे के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आप भी समझ जाएंगे कि आपको इस तरह की वीडियो कैसे बना लेनी है। और गाइस, इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इस तरह की वीडियो सिर्फ 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, इस तरह की एडिटिंग कर लेने के लिए सबसे पहले तो आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद गाइस, आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है। अब गाइस, आपको इसके प्लस के आइकन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर एक 16:9 रेशियो के एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना होगा। अब इसके बाद गाइस, आप काइन मास्टर में इंटर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसके मीडिया वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी कोई एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस, जिस इमेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको इस पिक्चर के ऊपर टैप कर लेना है। अब इसके बाद साइड में आपको एक क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस, आप अपनी इमेज के जितना भी साइज को यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर से क्रॉप कर लेना है। तो चलिए, मैं भी यहाँ से उसे क्रॉप कर लेता हूँ। अब अच्छे से क्रॉप कर लेने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर एक इक्वल का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है जिससे आपकी ये वीडियो स्टेबल रहे। अब इसके बाद गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब गाइस, आपको इस इमेज की लेंथ को बढ़ा लेना होगा और ध्यान रखिए कि आप इसके लेंथ को सिर्फ 20 से 25 सेकंड का ही रखें, क्योंकि इसके लिए हम जिस बैकग्राउंड वीडियो का यूज़ कर रहे हैं उसका भी लेंथ सिर्फ इतना ही है। अब आपको इस इमेज की शुरुआत में आ जाना है। इसके बाद गाइस, आपको साइड में एक लेयर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। अब इसके बाद गाइस, ऊपर आपको एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ भी क्लिक कर लेना है। अब गाइस, आपको यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा, तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो आपको वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद गाइस, आपको इस वीडियो को अपने इमेज के हिसाब से अच्छे से सेट कर देना है। अब इसके बाद आपको इस वीडियो में कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपको सबसे नीचे एक कलर बर्न का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, इस तरह से आपकी वीडियो तैयार हो जाती है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसे बनी है।